बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है महनूर का किचन, मैं हूँ महनूर की माम। तो कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, आप सुनाएं आप कैसे हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं डोनट, तो देखते हैं हमें डोनट बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए। डोनट बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम प्लेन फ्लावर लिया है, और 1 टीस्पून ईस्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और बाकी साथ साथ करते हैं। ये है 3 टेबलस्पून शुगर, इसमें ये ऐड कर देते हैं सॉल्ट। और ये है 40 ग्राम बटर मेल्टेड, और इसके साथ ही हम इसमें ये 1/2 कप जो कि है हल्का सा मैंने इसे किया है वार्म अप, इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ईस्ट को मिक्स करते हैं और ये बैटर इसमें ऐड करते हैं। तो डो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो इसको हम रख देंगे कवर करके कि ये डबल हो जाए, फूल जाए, तो फिर मिलते हैं। इसको मैं इसे क्लिप छिंग लगा के तो इसको कवर कर दूंगी, तो ऐसी जगह पे रखूंगी जहाँ थोड़ा वार्म हो ताकि हमारा डो अच्छी तरह फूल जाए। तो यहाँ पे हमारा डो फूल चुका है, ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अब हम इसके बनाते हैं डोनट। यहाँ पे हम थोड़ी सी फ्लावर डस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बिस्किट कटर है, इसके मदद से हम काट लेते हैं। तो ये मेरे पास एक और नोजल थी, तो इसके साथ हम मिडल से निकाल लेंगे। इनको उठा के ये मैं ट्रे में, मैंने बटर पेपर रखा हुआ इसके ऊपर रख देती हूँ। मैंने डोनट सारे रेडी कर लिए हैं, तो अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो आप देख रहे होंगे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो मैंने पहले छोटे बनाए थे, तो मेरी बेटी को बड़े चाहिए थे, तो फिर मैंने बड़ा साइज किया। एक पैन लिया है, तो इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं ताकि इनको हम फ्राई कर लें। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना, तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें अपने डोनट ऐड करूँगी 1 by 1। ये डोनट हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे डोनट सारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको, ये मैंने चॉकलेट लेके मेल्ट कर ली है, तो इसको चॉकलेट में डिप करके, तो साथ ही हमने ये स्प्रिंकल लिए है, तो ये ऊपर ऐड करेंगे। तो शुरू करते हैं। इधर से निकालेंगे और अब इधर हम
तो यहाँ पे मैंने सब डोनट पे चॉकलेट लगा ली है। आप वाइट चॉकलेट ड्रिजल कर तो लेते हैं। डोनट्स हमारे सर्विंग के लिए रेडी हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना और अपने इस छोटे से चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।